हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की अब तैयारियां पूरी हैं। दो दिन बाद वोटिंग होनी है और इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। करनाल में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। 96 बूथों पर होने वाले मतदान को लेकर यहां पोलिंग पार्टियां और पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। करनाल के निसिंग, असंद, तरावड़ी और घरौंडा में चुनाव में करीब 80,000 मतदाता हिस्सा लेंगे। वहीं मतदान से पहले पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी किया जाएगा ताकि लोग निर्भय और निडर होकर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। करनाल के डीसी अनीश यादव ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हैं। वहीं एसपी गंगाराम पूनिया ने भी कहा है कि जिले में होने वाले 4 स्थानों पर मतदान को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए, म्यूनिसिपल कमेटी के जो इलेक्शंस हैं वो सभी वार्ड्स के लिए और प्रेजिडेंट की पोस्ट के लिए हमारी जो म्यूनिसिपल कमेटीज घरौंडा, तरावड़ी, निसिंग एवं असंध में है। इसमें जो वोटिंग की जो तिथि है वो 19 जून है और जो काउंटिंग की जो तिथि है वो 22 जून है। इसमें हमारे जो टोटल जो पोलिंग बूथ्स हैं उनकी संख्या 96 है और टोटल जो मतदाता हैं उनकी संख्या 80,000 है। हमारी तरफ से पूरी तैयारियां है। जो हमारी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग पार्टीज हैं उनकी हमारी तरफ से 2 बार ट्रेनिंग भी करवा दी गई है। ईवीएम्स को लेके जो स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं, काउंटिंग हॉल्स हैं, उनकी तैयारियां सभी रिटर्निंग अधिकारियों के अपने स्तर पे पूरी तैयारियां हो गई हैं।